और आइए बढ़ते हैं आगे, मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, गाजियाबाद में भी कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पर जलभराव हो गया है, जिससे निचले इलाके जो हैं वहां पानी भरना शुरू हो गया है। आईटीओ में भी भारी बारिश की वजह से पानी भरने की आशंका बनी हुई है। अगर आज सड़कों पर पानी जमा होता है तो ट्रैफिक जाम के हालात बन सकते हैं। तो देखिए, मौसम बना हुआ था और आज सुबह से ही जो झमाझम बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस समय भी बारिश हो रही है। हालात खराब तब हो जाते हैं जब तेज बारिश होती है और जल भराव हो जाता है। बीते कुछ दिनों में भी आपने देखा है, जब बारिश हुई है तो दिल्ली की क्या हालत हुई है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, मौसम में बड़ा बदलाव, गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर पानी भरता है तो खास तौर पर वो लोग जो दफ्तर जाने वाले हैं, त्योहार खत्म होने के बाद आज जब दफ्तर निकलेंगे तो ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में एक बार फिर आज सुबह से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। सुबह से लगातार जो बादल थे वो घने होते जा रहे थे, उसके बाद अब तेज बारिश यहां पर शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम आईटीओ चौक के पास में हैं और बारिश की वजह से जो जलभराव की स्थिति दिल्ली में सबसे बड़ी परेशानी है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर जलभराव होना शुरू हो गया है। यहाँ पर नकुल कैमरामैन दिखाएंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पर अमूमन जो निकासी के इंतजाम हैं वो यहाँ पर कुछ देर बाद आएंगे जरूर, क्योंकि कुछ दो ट्रैक्टर को लेकर यहाँ पर मोटर पंप चलाया जाता है। लेकिन उससे पहले की स्थिति आप देख सकते हैं, लोग जो हैं बचने के लिए, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, दफ्तरों का काम शुरू होगा, लोगों की आवाजाही शुरू होगी। एक दिन पहले से छुट्टियाँ थी, लेकिन अब आवाजाही जो है, पानी कहीं बाधक न बन जाए।